हेलो, आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही सभी को? ओके, तो चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बाकी के ज्वाइन करने का। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में रिडबर्ग एनालिसिस वाला पार्ट बताया था, जिसके थ्रू हमने स्पेक्ट्रल लाइन का क्या निकाला था, वेवलेंथ वगैरह निकाला था। स्पेक्ट्रल लाइन मतलब फोटोन ही होता है ना। तो बाद में बोर ने भी इसको एक्सप्लेन किया था। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, बोर्स एक्सप्लेनेशन। बोर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो अकॉर्डिंग टू बोर, इफ इलेक्ट्रॉन
jumps from higher orbit and to lower orbit N1 by emitting photon of wavelength lambda then तो देखो हायर ऑर्बिट N2 था उसे N1 ऑर्बिट में जंप किया तो ऑब्वियसली इतना एनर्जी क्या हो गया कम हो गया जितना फोटोन एमिट हुआ उसका एनर्जी कम हो गया इज इक्वल टू EN1 नए ऑर्बिट का एनर्जी हम बोल सकते हैं दैट EN2 माइनस EN1 इज इक्वल टू ST/λ ओके नाउ लिखो ये फिर आगे चलते हैं यस अनिके दिस इज फर्स्ट पेज चले आगे
तो नाउ EN2 और EN1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और H3 का भी, तो EN2 क्या था, इट वाज माइनस 13.6 इनटू जेड स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर, दिस इज EN1 एंड माइनस 13.6 इनटू जेड स्क्वायर बाय N स्क्वायर, दिस इज EN1, दिस इज EN, ठीक है। तो ये EN2 माइनस EN1 हो गया। नाउ ये किसके इक्वल है, H3 बाय लैम्बडा टू इंटू 10^-25, दैट वॉज H3 डिवाइड बाय लैम्बडा। लेकिन देखो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है एंड राइट हैंड साइड वाला पार्ट जूल में है, तो दोनों साइड हमें सेम यूनिट लेके आनी, या तो लेफ्ट हैंड साइड जूल कर दो या राइट हैंड साइड जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दो। हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देते हैं, तो दोनों साइड सेम यूनिट ले लेते हैं। ओके तो 1.6 इंटू 10^-19 कर दिया हमें राइट हैंड साइड डिवाइड में, जिससे कि हमारे पास क्या आ गया, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ठीक है, नाउ दोनों साइड सेम यूनिट आ गई। अब देखो यहां से 1/λ हम क्या लिख सकते हैं, मतलब चलो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस माइनस वाला पार्ट हो गया प्लस, तो इट इज माइनस 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय N1 स्क्वायर, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, एंड ये 1/λ इंटू 2×10^-25 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10^-19। नाउ यहाँ से 1 बाय लैम्बडा जो है देखो क्या आ जाएगा, 1/λ इज, अब देखो इधर इधर से हम 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन लिया। इसके अलावा ये वाला पार्ट को दूसरी साइड लेके आए, तो 1.6 इंटू 10^-19 डिवाइड बाय 2×10^-19 25। ओके बचा के अंदर 1/N1² - 1/N2². ओके नाउ ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट के इक्वली आती है। ओके सो हमारे पास जेड स्क्वायर जो है उसके अलावा बचा हुआ पार्ट जो है रिडबर्ग कांस्टेंट के इक्वली आया। हमारे पास फॉर्मूला ये हो, ऑब्वियसली आर की वैल्यू क्या आई, आर आया क्या था 1.1×10^7 मीटर माइनस 1, जो कि क्या था रिडबर्ग कांस्टेंट। ओके तो ये वैल्यू हमें वही मिला जो रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू। तो इस टाइप से हम यहां से एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है,
चले आगे। हाँ तो देखो जो रिडबर्ग वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला डिफरेंस क्या है दोनों में? रिडबर्ग वाले फॉर्मूले में जेड स्क्वायर नहीं था, इसमें जेड स्क्वायर है। एक्चुअली रिडबर्ग वाला फॉर्मूला जस्ट हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये फॉर्मूला हम किसी भी यूनि इलेक्ट्रॉनिक के लिए लगा सकते हैं, मतलब जिसके लिए बोर मॉडल लगाते हैं उसके लिए रिडबर्ग वाला, सॉरी ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। रिडबर्ग वाला फॉर्मूला जस्ट हाइड्रोजन के लिए था, बट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर एनी यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ओके, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एनी यूनि इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आया है इसके थ्रू हम किसी भी यूनि इलेक्ट्रॉनिक का स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ निकाल। क्लियर है सबको? ओके, अनिकेत त्रिवियस पेज देखो जल्दी। ओके, तो ये फॉर्मूला हम ऑब्वियसली किसी भी यूनि इलेक्ट्रॉनिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन लेते हैं। डिटरमाइन सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ पाश्चिम सीरीज फॉर बी थ्री पॉजिटिव स्पेक्ट्रम। बी थ्री पॉजिटिव का जो स्पेक्ट्रम है उसका पाश्चिम सीरीज का सीरीज लिमिट वेवलेंथ निकालो।
नहीं कैसे स्ट्रांग है क्रिवा रॉन्ग है, शौनक रॉन्ग है, अक्षत रॉन्ग है, रोहित रॉन्ग है, आहान आई थिंक करेक्ट है, गीतिका रॉन्ग है, काशी स्ट्रांग है, शास्त्रा रॉन्ग है, कशिश रॉन्ग है ये भी। तो देखो चलो बताते हैं, तो सीरीज लिमिट वेवलेंथ की बात हो रही है और पार्शियन सीरीज, और पार्शियन सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट क्या है, लायमन बामर पार्शियन है ना, तो लोअर ऑर्बिट क्या हो गया, सी हो गया, एंड हायर ऑर्बिट क्या है, सीरीज लिमिट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी होता है हायर लिमिट, लास्ट लाइन जो है किसी भी सीरीज की लास्ट लाइन है सीरीज लिमिट वेवलेंथ है ना, तो उसके लिए कहाँ से आती है वो लास्ट लाइन, इन्फिनिटी से आती है। सो अच्छा जेड क्या है, जेड है बी थ्री पॉट सी मतलब फोर, तो वन बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर इंटू जेड, अच्छा आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1.1 इंटू 10^7 इंटू जेड का स्क्वायर मीन 16 इंटू 1 अपॉन एन वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, तो 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर जो है जीरो हो गया, तो 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10^7 इंटू 16/9, तो यहाँ से जब हम लैम्बडा निकालेंगे तो लैम्बडा क्या होगा 9 इंटू 10^-7 इंटू 11 इंटू 1.1, तो अगर याद हो तो ये वाली वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके लास्ट टाइम, याद है हाइड्रोजन का पार्शियन सीरीज का सीरीज लिमिट वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला था, क्या आया था 8.18, यही आया था ना, इंटू 10^-7 डिवाइड बाय 16, ये मीटर में है सब, तो कितना आ गया ये 0.51 इंटू 10^-7 मीटर, तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो 510 एंगस्ट्रॉम के अराउंड आंसर, ओके एंगस्ट्रॉम में ये आंसर आ जाएगा। तो ये जो है ये कौन सा रीजन हुआ, कौन सा रीजन में लाई करेगा 510 एंगस्ट्रॉम, अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड ये विजिबल कौन से रीजन में है ये, नहीं 510 एंगस्ट्रॉम जो है इंफ्रारेड में नहीं होता है, 510 एंगस्ट्रॉम जो है वो इंफ्रारेड में नहीं होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में है ये, कौन से रीजन में आता है ये, अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है। तो देखो जो हमने वो रीजन बताए थे ना तुम्हें लास्ट लेक्चर में, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रीजन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पार्शियन सीरीज इंफ्रारेड रीजन में होगा, लेकिन बाकी कोई दूसरा यूनिइलेक्ट्रॉनिक अगर हमने स्पेक्ट्रम लिया
तो ऑब्वियसली उसका लैम्बडा डिफरेंट आ जाएगा बिकॉज ऑफ जेड स्क्वायर. तो लैम्बडा अगर डिफरेंट आएगा तो रीजन भी चेंज हो जाएगा. ओके, सो जो हमने वहां पर रीजन बताए थे ना, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट वगैरह जो रीजन बताए थे, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रीजन बताए थे. वो हाइड्रोजन के लिए ही वो रीजन है. बाकी यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो रीजन है वो डिफरेंट हो सकता है. ओके, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पास्ट एंड सीरीज इंफ्रारेड में होता है, लेकिन बी सी पॉजिटिव में वो यूवी रीजन. ओके, देखो फिर आगे चलते हैं. हो गया सबका, चलो आगे चलते हैं. तो चलो क्वेश्चन लेते हैं. फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 40. फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 40.
नहीं एक्टर नो कशिश, चलो देखो कराते हैं तो यस है इसका करेक्ट है। नाउ हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो n प्लस वन से n में आ रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन n प्लस वन से n में आ रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी हमें वो देखते हैं। तो हायर ऑर्बिट हो गया n प्लस वन, n टू जो है वो कितना हो गया n प्लस वन हो गया, और लोअर ऑर्बिट जो है वो क्या हो गया n। ओके तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी c बाय लैम्बडा, ठीक है, मतलब c इंटू वन बाई लैम्बडा, तो क्या हो जाएगा ये r इंटू जेड स्क्वायर इंटू सी इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, यही होगा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू r c इंटू जेड स्क्वायर इंटू वन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर, मतलब लोअर ऑर्बिट इज n, तो n स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है, जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अपने पास क्या आ जाएगा, सो एलसीएम आ गया एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर। ओके इसके अलावा ऊपर क्या बचेगा, इट इज एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर, ये बचेगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आया, दिस इज आर इंटू सी इंटू जेड स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर, ये बचेगा। अब देखो क्या है, उन्होंने बोला है n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, सॉरी n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है कि n 1 से बहुत बड़ा है, जैसे मान लो n की वैल्यू 1 लाख हो गई, 2 लाख हो गई, बहुत बड़ी वैल्यू। ओके सो n की वैल्यू अगर बहुत बड़ी है तो n प्लस वन को हम n ही ले सकते हैं, मतलब 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अगर n की वैल्यू बहुत बड़ी है ना तो हम क्या कर सकते हैं, n प्लस 1 में 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब n प्लस 1 को हम n ले सकते हैं। ऐसे ही 2n प्लस 1 जो है वहां पर भी 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और उसको 2n ले सकते हैं। ओके जैसे मान लो इसको मैं एग्जाम्पल ऐसे ऐसे लेता हूँ कि यार मैंने किसी को 1 लाख 1 रुपीज दिए, मैंने किसी को 1 लाख 1 रुपीज दिए, तो अगर वो मुझे रिटर्न में 1 लाख रुपीज देगा तो भी ठीक है, चलेगा ना, 1 रुपया क्या कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी हो जाएगी, मैंने उसको जब 1 लाख 1 रुपीज दिए तो अगर उसमें से मुझे वो 1 लाख रुपीज दे देगा तो ऑलमोस्ट एक ही बात है। या फिर मान लो 2 लाख 1 रुपीज दिया, तो अगर वो मुझे रिटर्न में 2 लाख दे देगा तो भी ठीक है, समझा ही नहीं आया। तो एन प्लस वन को एन ले लेंगे, ऐसे ही 2n प्लस 1 को n ले लेंगे, दोनों जगह 1 को नेग्लेक्ट कर दिया, बिकॉज 1 जो है बहुत छोटा है कंपेयर टू n, ऑब्वियसली जब n से बहुत छोटा है तो 2n से भी बहुत छोटा हो। तो हमारे पास देखो क्या बचेगा, तो ऊपर हमारे पास बचेगा 2n और नीचे बचेगा n रेज टू 4। ओके तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आर सी जेड स्क्वायर इंटू 2n डिवाइड बाय n रेज टू 4, तो एक n कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया, दिस इज 2 इंटू आर इंटू सी इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन रेज टू 3, क्लियर है क्या।
क्लियर है सबको? तो ऑब्वियसली दिस इज ऑप्शन ए। चलो ना आगे चलते हैं, चले आगे। लिखो जल्दी वे अनिकेत। अनिकेत हो गया? ओके नाउ आगे चलते हैं। तो अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला और आता है यहाँ पर मैक्सिमम लाइंस का। जैसे हमारे पास मान लो इलेक्ट्रॉन है थर्ड ऑर्बिट में, तो जब थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में अगर वो आ रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास थर्ड ऑर्बिट में है तो उससे फर्स्ट ऑर्बिट में अगर आता है तो मैक्सिमम कितनी लाइन आ सकती है? देखो हो सकता है वो डायरेक्ट 3 से 1 में आ जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आए एंड देन 2 से 1 में आए। तो मैक्सिमम कितनी लाइन आ रही है यहाँ पर? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हो गई बताओ? तीन हुए ना। ओके अगर वो डायरेक्ट हमारे पास आ जाता है तो एक लाइन, और अगर स्टेप वाइज आता है तो 2 लाइन। तो मैक्सिमम कितनी हमारे पास कितनी लाइन आ गई? 3 आ गई। ओके अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ ऑर्बिट में है तो मैक्सिमम कितनी लाइन आ सकती है? तो फोर्थ ऑर्बिट में अगर फोर्थ से फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो देखो कितनी आ सकते हैं। अगर डायरेक्ट आया तो एक लाइन, इसके अलावा अगर स्टेप वाइज आया, मान लो पहले 4 से 3 में आया एंड देन 3 से 1 में आया, ठीक है, या फिर 4 से 3 में आने के बाद 3 से 2 एंड 2 से 1 में आया, या फिर ऐसा हो सकता है कि 4 से 2 में आए और फिर 2 से 1 में आए। तो देखो कितनी लाइन हो गई, या तो हमारे पास डायरेक्ट 4 से 1 में आ जाए, या फिर 4 से 3 आए 3 से 1 आए, या फिर 4 से 3 3 से 2 2 से 1 आए, या फिर 4 से 2 आए और फिर 2 से 1 आए, ऐसे ही आ सकता है। इसके अलावा और किसी तरीके से आ नहीं सकता। तो कितनी लाइन हो गई? 6 लाइन हो गई ना। ओके तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, जब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी हो
तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या है वो मैं बताता हूँ, पहले लिख लो ये। हो गया सबका, चले आगे। तो देखो फॉर्मूला क्या है, इफ इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट एंड टू लोअर ऑर्बिट N1, देन मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन तो ये होगा डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होंगी, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। ऑब्वियसली यहां पर डेल्टा एन क्या है, N2 - N1। ओके सो कोई भी फॉर्मूला मतलब किसी में भी लगा लो, चाहे इसमें लगा लो, अगर इसमें हम देखेंगे तो डेल्टा एन क्या आया, यहाँ पर डेल्टा एन 2 आया ना। ओके इसमें डेल्टा एन की वैल्यू क्या आई, 2 आई। तो डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2 क्या हो गया, 2 × 2 + 1/2 कितना आया, 3 हो गया ना। तो आंसर करेक्ट आया कि नहीं है, ऐसे इसमें लगाओ, इसमें डेल्टा एन क्या है, इसमें डेल्टा एन क्या 4 से 1 में आ रहा है ना, तो 4 से 1 में आ रहा है तो डेल्टा एन क्या हो गया, 3 हो गया। तो 3 × 3 + 1/2 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना। तो देखो करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके तो डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2 जो है वो हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ओके तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा जब किस मतलब कोई, ये ऑलवेज एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला ना, अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करा तो मैक्सिमम कितनी लाइन आ सकती है। लेकिन अभी हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो जस्ट कब एप्लीकेबल है, जब ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है। ओके तो इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट एन टू ग्राउंड स्टेट, हायर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आता है, सो ऑब्वियसली अब डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी, एन माइनस वन हो गया ना। डेल्टा एन क्या हो गया, एन माइनस वन। ओके सो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन कितनी हो जाएंगी यार, ऑब्वियसली डेल्टा एन की जगह हम लिख सकते हैं एन माइनस वन। तो जब डेल्टा एन की जगह एन माइनस वन लिखेंगे तो यहां पर जब डेल्टा एन में एन माइनस वन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट होगा। ओके डेल्टा एन में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एन माइनस वन, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया तो फॉर्मूला ये आ जाएगा एन इंटू एन माइनस 1/2।
तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा हो। तो पहले वाला हमने जो एग्जांपल लिया उसमें ग्राउंड स्टेट में आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन, ओके, दोनों एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में। तो एन इंटू एन माइनस वन बाई टू भी लगा सकते हैं। तो एन यहाँ पर क्या है, देखो इसमें एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू फोर है, तो एन इंटू एन माइनस वन बाई टू कितना आया, सिक्स आया ना। यहाँ पर एन, यहाँ पर भी एन से वन में जंप कर रहा है, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, थ्री। तो एन इंटू एन माइनस वन बाई टू कितना आ गया, थ्री आ गया, ओके। तो ऑब्वियसली कोई भी फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा, ये वाला लगाओ या ये वाला, कोई भी लगाओ आंसर आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन किसमें जंप कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं आ रहा है तो बस यही फॉर्मूला लगा। अगर बीच के कोई ऑर्बिट का हमें ट्रांजिशन दिया है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में नहीं दिया है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए। तो इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 38। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 38 करो ये वाला। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 38। यस आहन करेक्ट है। कशिश दृष्टि करेक्ट है। सहस्त्रा करेक्ट है। अक्षय करेक्ट है। यस क्रीवा करेक्ट है। साहू करेक्ट है।
चलो करा देते हैं। तो देखो हमारे पास यस एनी गेट करेक्ट है। तो उन्होंने बोला है कि हीलियम पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन एन टू से एन वन में जंप कर रहा है, ओके एन टू ऑर्बिट से एन वन में। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी है, लेकिन एन टू और एन वन की वैल्यू भी पता। तो एन टू और एन वन की वैल्यू के लिए उन्होंने इक्वेशन दिया हमें, टू एन टू प्लस थ्री एन वन इज इक्वल टू 18, एंड दूसरा इक्वेशन दिया है टू एन टू माइनस थ्री एन वन इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन दिया है। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो 4n2 क्या आया 24 आया, तो n2 की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, ओके। एंड सब्स्टिट्यूट करने पर n1 की वैल्यू क्या हो रही है 2, ओके। सो डेल्टा n क्या आया, डेल्टा n इज 6 माइनस 2 दैट इज 4। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होंगे, तो डेल्टा n इंटू डेल्टा एन प्लस वन बाई टू क्या आ गया 10 आ गया, ओके। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है सबको? यहाँ पर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं आ रहा है ना, किस किस का दिया है, N2 से N1 ऑर्बिट का दिया, और N2 और N1 में देखेंगे तो N1 की वैल्यू यहाँ पर ऑब्वियसली 1 नहीं है, लोअर ऑर्बिट इज नॉट 1। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 बाई 2, ओके ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज ये लोअर ऑर्बिट इक्वल टू N में भी एप्लीकेबल है, और अगर लोअर ऑर्बिट फर्स्ट ना होके कोई और है तो भी एप्लीकेबल। मतलब इस फॉर्मूले को कभी भी लगा सकते हो। क्लियर है सबको? ओके तो चलो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे, होमवर्क नोट कर लो। हमने लास्ट टाइम भी होमवर्क दिया था वैसे स्पेक्ट्रम वाले पार्ट से। Now, foundation builder objective में question number 37 to 49 के बीच में कोई question अगर पहले homework में नहीं दिया है, कुछ question नहीं दिए थे इसमें, वो वाला homework में भी रहेगा, okay? जो अभी तक नहीं किया है वो question homework में, okay? तो चलो यहीं पे लेक्चर एंड करेंगे। डाउट लेक्चर आई थिंक सैटरडे इस बार हमारा, तो उस दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो बाय।